गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने जो स्टडी किया था उस लेसन का नाम था द थीप्स स्टोरी। ओके, और थीप्स स्टोरी जो है उसका हम वन बाय वन जो पैराग्राफ है उसके अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो कल के पैराग्राफ में हमने जो स्टडी किया वो ये किया था कि अनिल का पैसा चुरा करके और हरि सिंह लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए चला जाता है, और उसके बाद में वो जो है डायरेक्ट वहाँ टिकट विंडो पे नहीं जा करके और कहाँ चला जाता है, प्लेटफॉर्म पे चला जाता है, और वहाँ से उसको जो ट्रेन है वो मूविंग करती हुई नज़र आती है। लेकिन अचानक उसके माइंड में पता नहीं क्या कोई चेंज आता है। वो सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। ओके, और जिस इंसान ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया उसी इंसान को मैं धोखा दे रहा हूँ। इस बात को सोच करके वो ट्रेन को नहीं पकड़ता है, कहने का मतलब ट्रेन में वो जाता नहीं है और वापस लाता है। वहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा है, वहाँ पर कोई भी पैसेंजर वगैरह नहीं है, नाइट का टाइम है। अब वो सोच रहा है मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ओके, फिर वो वहाँ से जो है चला आता है और उसके बाद में वो अपने आप को एक मैदान में पाता है। ओके, उसने लास्ट जो सेंटेंस में बोला कि आई फाउंड माई सेल्फ इन ए मैदान। ओके, ऐसा उसने बोला है। वहाँ से वो चला आता है और उसके बाद देखो उसके माइंड में क्या क्या चेंजेज आते हैं और वो किस प्रकार का जो बिहेव है वो करता है, ये देखना आगे के पैरा में। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पैरा। द नाइट वो चिली, चिली का मतलब कड़कड़ाती जो ठंड होती है जिसमें इंसान है वो कांप उठता है, वो होता है चिली। तो नाइट बहुत ज़्यादा चिली थी, बहुत ज़्यादा ठंड वाली थी, यूँ कह सकते हैं आप। इट वॉज अर्ली नवम्बर, ये प्रारंभिक जो नवम्बर है उसकी बात है। एंड ए लाइट ड्रीजल, लाइट मीन्स हल्की ड्रीजल का मतलब बूंदाबांदी, बारिश के कारण थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी। तो एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, वो मेरी जो बेचैनी थी, डिसकम्फर्ट मीन्स बेचैनी या आराम नहीं होना, उसके अंदर जो है जो हल्की बारिश या हल्की जो बूंदाबांदी है वो मेरे डिसकम्फर्ट में ऐड हो गई, मतलब बेचैनी में ऐड हो गई, जुड़ गई। कहने का मतलब थोड़ा सा बूंदाबांदी तो हो रही है, साथ में उसको परेशानी भी है, तो दोनों सब बातें साथ में हो रही हैं। सून, फिर क्या होता देखिएगा, सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और अब जो है जल्दी ही या शीघ्र ही तेज गति से बारिश होने लगी। इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, हैवीली मीन्स भारी, तेज बारिश होने लगी, कहने का मतलब वहाँ तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, तो बिल्कुल तेज बारिश हो रही थी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा जो शर्ट है और पायजामा जो है स्टक में चिपक गए टू माई स्किन, मेरी त्वचा से शर्ट और पायजामा चिपक गए, मतलब बारिश के कारण। एंड एक कोल्ड विंड ब्लू, एक ठंडी हवा जो है वो बही, और क्या हुआ फिर, एक कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, ठंडी हवा के बहने से क्या हुआ, जो रेन है बारिश है वो मेरे चेहरे के आग पर आने लगी, कहने का मतलब मेरे चेहरे पर बारिश की बूंदें वो टपकने लगी। ओके, इस प्रकार जो वहाँ से वो चलाया है, नाइट का टाइम है और इसके अकॉर्डिंग जो है हरि सिंह जो है वो बहुत परेशान है। अनिल तो सो रहा है, उसको सोता हुआ छोड़ गया है वो, और लास्ट में वो जब नहीं जगेगा उससे पहले पहले पहुँच जाएगा। लेकिन अब जो है नवम्बर का जो टाइम है, नाइट का टाइम है, और ये चोर या हरि सिंह जो बहुत परेशान हो रहा है, और साथ में परेशानी तो है ही है, फिर भयंकर बारिश भी होने लगी, इस वजह से जो है उसको थोड़ा सा अपना डिस्कम्फर्ट और ज़्यादा हो गया। इसके बाद देखिएगा, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया। एंड सेट डाउन इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, बाजार में जा करके और क्या किया इसने, सेट डाउन मीन्स बैठ गया, इन द सेंटर ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर का मतलब होता है घंटाघर। ओके, एक बहुत बड़ी इमारत होती है, तो वो घंटाघर की छाया में या शरण में जा करके बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, अब क्या हुआ, घंटाघर में घड़ी होती है बहुत बड़ी जो 24 आवर्स बजती रहती है, वो मतलब से एक बजा तो एक घंटा उसमें उसका टंकार होगा, दो बजेंगे तो दो टंकार होंगे, इस प्रकार से जो है वो पेंडुलम उसमें घूमता रहता है क्लॉक टावर में। इस प्रकार से जो है क्लॉक टावर की जो घड़ी है उसने क्या किया था, क्लॉक शोड मिडनाइट, उसने अर्धरात्रि शो कर दी, कहने का मतलब 12 बज गए थे क्लॉक टावर की घड़ी में। आई फेल फॉर
द नोट्स, मैंने जो नोट्स थे जो अनिल के पैसे चुरा के लाया था, वो उन नोट्स को मैंने टटोला, मतलब तलाश किया कि वो नोट तो नहीं भीग गए हैं, क्योंकि वो इसी सिचुएशन में था कि कंप्लीट वो भीग चुका था, पायजामा वगैरह ये जो है इसकी शर्ट वगैरह है वो इसकी स्किन से चिपक गए थे। तो कहने का मतलब उसने जेल में डाल रखे थे नोट्स को, तो टटोला कि वो कहीं भीग नहीं जाए, अगर वो भीग गए तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा फिर उनका। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, अब इसके बाद डैम्प मीन्स नम या गीले, वो बारिश से गीले थे क्या नोट्स जो 600 रुपये वो चुरा के ले गया था, वो बारिश से गीले थे। अनिल्स मनी, अब यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ फील हुआ है अभी, देखो क्या सेंटेंस बोला इसने, अनिल्स मनी, ये पैसा किसका है, अनिल का है। ओके, इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह क्या होता है, ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, वह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है मुझे देगा, प्रोबेबली संभवतया मुझे दे चुका है या उसने दिया है, हमेशा दिया है उसने 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए मुझे 2 या 3 rupees जो है उसने संभवतया मुझे दिए हैं या वो दे चुकेगा, कहने का मतलब वो देगा मुझे, इसका मतलब ये है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब तो ये सारे पैसे मेरे पास थे, तो 2-3 rupees मुझे सिनेमा के लिए दे देगा, लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास हैं, वो कैसे देगा, अगर मैं उसके पास चला गया तो कैसे पैसे मुझे दे सकता है, जब ये पैसे मैं वापस उसको नहीं लौटाऊंगा, और वो लौटाने का सिस्टम भी जो इस प्रकार से होना चाहिए कि अनिल को इस चीज़ का जो है डायरेक्टली बिल्कुल आमने सामने इस चीज़ का पता नहीं चले। वैसे तो अनिल को पता है इस चीज़ का कि वो पैसे चुरा के ले गए हैं, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि डेफिनेटली हरि सिंह वापस आएगा। ओके, इस प्रकार कई बार क्या होता है, ऐसे काम करने के बाद में इंसान का जमीर जाग उठता है और कि मैंने ये क्या किया, गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, तो ये कई बार इंसान का जमीर जाग उठता है। तो देखिएगा आगे, जैसे इसका हरि सिंह का जाग उठा और वापस वहां से चला आया, फिर देखिएगा आगे, आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन नहीं पका सकता था। ओके, रन टू द बाजार, बाजार की तरफ है दौड़ा, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीवेयर, और अब मैं जो है ने बाजार जा सकता था, और अब मैं जो होल सेंटेंस जो मुझे सिखाया करता था डेली, वो सेंटेंस में जो है मैं अधिक टाइम तक नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि पैसा चुरा लिया अब उसके सामने जा नहीं सकता। ओके, तो अब मैं वो सेंटेंस भी नहीं सीख सकता, ठीक है, और इसके बाद में जो भोजन है वो मैं उसके लिए पका नहीं सकता, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, अब वो उसके सामने जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसने काम ही गलत किया है, तो कैसे जा सकता उसके सामने वो। इस प्रकार से जो है थोड़ा सा इसके माइंड में ये बातें बार बार आ रही है हरि सिंह के माइंड में कि मैंने अनिल के साथ में गलत किया। ओके, उसने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया, ओके, उसने मुझे यहाँ शरण दी, अपने यहाँ सेंटेंस वगैरह बनाना सिखाया, मुझे नंबर सेट करना सिखाया, और उस इंसान के साथ में मैंने इतना बड़ा डिसेप्शन किया, इतना बड़ा धोखा किया, ये वो सोच रहा है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं उनके बारे में भूल चुका था, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, एक्साइटमेंट उत्तेजना, थेफ्ट मीन्स चोरी, चोरी की उत्तेजना में उन सब चीज़ों को भूल गया था जो अनिल ने मेरे लिए किया था, वो सब मैं भूल चुका था। ओके, इसके जस्ट बाद में है होल सेंटेंसेज, कंप्लीट जो सेंटेंस है वो भी मैं एक तरह से भूल चुका था, और आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees, और मैं ये भी जानता था, कुड वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees, 100 rupees से भी ज़्यादा जो है वो मुझे दे सकता था एक दिन, ये भी मुझे कन्फर्म विश्वास था, सेंटेंस मुझे सिखाएगा, इसके साथ में मुझे 100 rupees से ज़्यादा जो है वो दे सकता था, लेकिन मैंने उसके साथ में गलत किया, इसलिए ये 100 rupees या जो भी है इससे ज़्यादा मिलना अब मुश्किल है। तो ये सारी बातें उसको अब रिकॉल हो रही है, और पहले इस बारे में उसने सोचा नहीं, और वो चोरी करके और अनिल के सारे पैसे जो है वो ले गया। इस प्रकार से यहाँ जो है वो हरि सिंह को काफ़ी ज़्यादा पिनेंस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप जो है वो कर रहा है कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब काम उसने कर ही दिया तो अब उसको पछताने से कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा माइंड में आ रहा है, इसलिए बार बार वो ये बातें कर रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी करेंगे, इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज किया गया है, तो देखिए
द नाइट वॉज चिली, यहाँ पर वॉज का जो यूज है वो सेकंड फॉर्म के रूप में है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो रात बहुत बर्फीली थी यूँ कह सकते हैं हम, या बहुत ठंडी थी जिसमें कड़ाती ठंड पड़ती है सर्दी के मौसम में। और टाइम देखिएगा यहाँ पर कौन सा, इट वॉज अर्ली नवंबर, प्रारंभ नवंबर में प्रारंभ की बात है जब सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने लग जाती है। एंड ए लाइट ड्रिजल, लाइट मीन्स हल्की और ड्रिजल मीन्स बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी और होने लगी। एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी जो बेचैनी है उसको और बढ़ा दी इस बूंदाबांदी ने, क्योंकि अब देखो आप ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि एक तो नाइट का टाइम है, दूसरी बात नवंबर का टाइम है, सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो सर्दी कितनी बढ़ जाएगी, यू कैन इमेजिन वेरी वेरी। ओके, तो ये आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्दी के अंदर बारिश हो जाए और उसके बाद में उस बारिश में अकेला इंसान भीगे तो कितनी भयंकर सर्दी उसको लग सकती है या लगेगी, यू कैन इमेजिन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, वॉज का यूज किया गया सेकंड फॉर्म के रूप में, एडेड यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल। ओके, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, ये जो बारिश है वो तेज हो रही थी, तो यहाँ पर वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, इसके जस्ट बाद में माई शर्ट एंड पायजामा स्टक, ये भी सेकंड फॉर्म है, शर्ट और जो पायजामा है वो चिपक गए, स्टक, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्म होती है इसके सेम नहीं होती है, एस टी आई सिक्के, एस टी यू सिक्के, और थर्ड फॉर्म एस टी यू सिक्के। ओके, तो ये फॉर्म जो इस प्रकार से होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है इसकी, स्टिक में चिपकना। फिर देखिए आगे, एंड कोल्ड विंड, और जो बर्फीली हवा है, ठंडी हवा है, वो भी चली, और कहाँ चली, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे के आर पार, जो कहने का मतलब भयंकर बारिश होने लगी और उस बारिश के होने से मेरा जो डिस्कम्फर्ट है, मेरी जो बेचैनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ओके, इसके बाद देखिएगा, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार गया, एंड सेट डाउन इन द सेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वेंट मीन्स गया, मतलब पास सिंपल टेंस है यहाँ, एंड सेट डाउन बैठ गया, ये भी पास सिंपल है यहाँ, कहाँ बैठ गया, क्लॉक टावर जो घंटा घर है उसकी शरण में या नीचे जो है बैठ गया, कौन, हरी सिंह बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, शोड का मतलब दिखाया। ओके, क्लॉक जो घड़ी है घंटा घर की, उसने अर्धरात्रि जो है वो प्रदर्शित किया, अर्धरात्रि का टाइम जो है उसने बताया पेंडुलम के माध्यम से। आई फेल्ट फोर, शोड का मतलब दिखाया, पास सिंपल टेंस, यहाँ भी आई फेल्ट फोर द नॉट्स, मैंने नॉट्स जो है वो महसूस किए, तो यहाँ पर भी क्या है, फेल्ट फोर मीन्स तलाश किया, ढूंढा। दे वर डैम्प, डैम्प मीन्स गीले, वर मीन्स थे, मतलब पास सिंपल। ओके, फ्रॉम द रेन एंड हिज मनी, तो वो नोट जो है वो सारे के सारे गीले हो गए थे, तो यहाँ पर भी क्या है, पास्ट सिंपल। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, तो सोच रहा है उसको माइंड में आ रहा है कि पैसा अनिल का है और गीला जो है वो हो चुका है। इन द मिड नाइट, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो है, सुबह सुबह जो है, ही वुड प्रोबेबली, वो मुझे देता था, यूँ कह सकते हैं आप, या देगा, देता था मुझे, वो पहले की बात है, संभवतः देता था, गिवन मी टू और थ्री रुपीज टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए मुझे जो है वो दो या तीन रुपये दिया करता था। ओके, लेकिन अब क्या करें, अब तो ये सारे नोट मेरे पास ही थे, बट नाउ आई हैड इट ऑल, ये सब मेरे पास में थे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये पास्ट का ही संकेत है यहाँ पर। ओके, इस प्रकार से विल का पास्ट वुड होता है, तो यहाँ पर ये एक तरह से जो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन, जिसको फुलफिल्ड कंडीशन कहा जाता है, उसके अंदर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो वो आ रही है। फिर इसके जस्ट बाद में देखिएगा, टू गो, टू, टू के साथ में फर्स्ट फॉर्म इज टू इंफिनिटिव, बट आई हैड इट ऑल, हैड का मतलब सेकंड फॉर्म आ गया यहाँ, ये सब पैसे मेरे पास ही थे। आई कुड नॉट कुक, अब यहाँ पर भी मॉडल का यूज है नेगेटिव सेंस में। ओके, और मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ओके, एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर ये कैन का पास्ट कुड, तो मैं उसका भोजन अब नहीं पका सकता था, रन टू द बाजार, में बाजार जा नहीं सकता था, और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं अब अधिक जो सेंटेंस है वो मैं लिखना नहीं सीख सकता था, क्योंकि ये चोरी करके और वहाँ से आ चुका है, अब वो वहाँ जाएगा तो जाए कैसे। ओके, और जा भी नहीं सकता, इसलिए कह रहा है कि अब मैं तो खाना पका सकता उसका, न बाजार जा सकता उसके लिए, न सेंटेंस सीख सकता मैं। ओके,
ये कंडीशन उसकी हो गई। तो यहाँ पर भी जो है मॉडल का यूज किया गया है, मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर टू राइट, ओके टू राइट, ये टू इन्फिनिटिव है, ओके नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है इन्फिनिटिव, इसमें दो होते हैं इन्फिनिटिव, एक तो बैर इन्फिनिटिव होता है, एक टू इन्फिनिटिव होता है, जिस फॉर्म के साथ में टू लग जाता है वो टू इन्फिनिटिव, और जिसके साथ में टू नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो होता है ओनली बैर इन्फिनिटिव। ओके इसके जस्ट बाद में आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं उनके बारे में भूल चुका था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी की उत्तेजना में मैं उन नोट्स को भूल चुका था। ओके होल सेंटेंसेज आई न्यू, सारे कंप्लीट जो सेंटेंसेज हैं वो मैं जानता था, या इसमें यूं भी हो सकता है, यहाँ पर जो मैं सब कुछ भूल चुका था देम, मतलब ये सेंटेंस लिखना, बाजार जाना, खाना पकाना, ये सब कुछ भी वो भूल चुका था, ये भी यहाँ मीनिंग इसका बन सकता है। फिर देखिएगा आगे, इसके जस्ट बाद में आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे, एक दिन ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, इससे ज़्यादा भी मेरे पास में जो पैसे आ सकते हैं, कितने रुपये से ज़्यादा, ए फ्यू हंड्रेड, सैकड़ों रुपये से भी ज़्यादा मेरे पास जो है पैसे आ सकते थे, लेकिन अब आएंगे कैसे, इस बात का वो सोच रहा है, क्योंकि मैं तो अनिल का विश्वास तोड़ चुका हूँ, अनिल के माध्यम से मेरे पास पैसे आ सकते थे, बट अब कैसे आएंगे। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसमें हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ओके यहाँ पर भी देखो सेकेंड फॉर्म है न्यू, नो के सेकेंड फॉर्म न्यू, तो पास्ट सिंपल, यहाँ कैन का पास्ट कुड, तो पास्ट टेंस। ओके इस प्रकार से हमने जो इसका ग्रामेटिकली स्टडी किया है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके तो आपको इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन करना है, इसकी जो वोकैब है उसको भी तैयार करना है। देखिए वोकैब जो है बहुत अच्छी चीज होती है, अगर वोकैब आपके पास में है, स्पेलिंग्स वगैरह आपके, आपको मीनिंग्स वगैरह आते हैं, तो आप इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं आते हैं, इफ यू डोंट नो अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ द रिलेटेड paragraph, then you can't translation, you can't do translate any type of sentence, okay? You can't translation या translate, you cannot translate any type of sentence in the given paragraph, okay? A given passage. तो हमें इस प्रकार से इसको study करना है, और आपको भी जो vocabulary को मद्देनजर रखते हुए आपको study करना है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से tenses का study किया उसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। टेंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो वो टेंस आप देखते रहें, वरना फिर इसमें दिक्कत हो सकती है। तो हमने जो जो टेंसेस स्टडी किए हैं अभी इस पैराग्राफ में, उनको हम थोड़ा सा देखेंगे, आप उनको थोड़ा सा कंफर्म कर लें, ताकि आगे चल के ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है देखिएगा कौन कौन से टेंसेज हैं। पहला पास्ट सिंपल, ओके इसमें बार बार पास्ट सिंपल ही आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो सब्जेक्ट सबसे पहले ले लेते हैं, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो बच जाए उसको आगे लगा देते हैं। यदि इसका सेंटेंस मान लो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम जो है इसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसमें बहुत से सेंटेंस मैंने अंडरलाइन करके बताएं आपको, इस प्रकार ये सेंटेंस जब आते हैं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉलो होता है। इसके बाद इसमें आया पास्ट कॉन्टिन्यूस, ओके तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर्ब, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, ओके सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज होता है, और प्लूरल के साथ में वर का यूज होता है, यह हमें ध्यान रखना। इट वॉज रेनिंग हैविली, सेंटेंस आया था आपके सामने जो पैराग्राफ था उसमें, इट वॉज रेनिंग हैविली, इस प्रकार के सेंटेंस हमें जो है वो पहचानने चाहिए। इट वॉज रेनिंग हैविली, ओके फिर इसके बाद में
पास्ट परफेक्ट टेंस इसका भी हमने इसमें स्टडी किया है। इसमें क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, हेड सिंगल आए तो सेकंड फॉर्म में आता है, और उसके साथ में अगर थर्ड फॉर्म आती है इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और सिंगल आने पर, हेड का सिंगल आने का मतलब है पास्ट सिंपल, हैव की सेकंड फॉर्म हेड होती है, तो हमें ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, तो इस प्रकार जो भी टेंसेज हम स्टडी करते हैं उनको थोड़ा डेप्थ में स्टडी करें, सेंटेंस जब भी आए तो उनका हम ढंग से जो है ट्रांसलेट कर सकें, ढंग से उनको स्टडी कर सकें, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की बात है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखो और इसका ट्रांसलेशन करें, वो कैप तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट पैरा स्टडी करेंगे, तब तक आप इनकी लर्निंग करते रहें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।